हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू जीके रिव्यू चैनल। आप सभी स्टूडेंट्स का जीके रिव्यू चैनल पर स्वागत है और आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। सो चलते हैं आज के सेशन की ओर। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 29th एंड 30th मई के कंबाइंड करंट अफेयर्स और ये डेली क्विज का सेशन है। सो बिना देरी के सेशन की ओर चलते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने जीके रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में, उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनके साथ आप पढ़ते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, आपके फ्रेंड्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए, जो भी एजुकेशन फील्ड्स हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। सो प्रमोट कीजिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सो आपका भी बेनिफिट हो सके और आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स का, और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अपडेट्स, एग्ज़ाम्स के नोटिफिकेशन, एग्ज़ाम्स की डेट, एग्ज़ाम की पोस्टपोन, सब कुछ सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। सो चलते हैं, लेते हैं फर्स्ट करंट इवेंट ऑफ दिस सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बिकेम द फर्स्ट वुमेन डीजीपी ऑफ केरला। फर्स्ट डीजीपी ऑफ केरला कौन है हमारे, डेट इज आर श्रीलेखा। ये फर्स्ट वुमेन डीजीपी है केरला की, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। शी इज़ द ट्रांसपोर्ट कमिश्नर एंड आईपीएस ऑफिसर ऑफ 1987 बैच एंड हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द केरलास फर्स्ट वुमेन डीजीपी। शी इज़ अ रिसिपिएंट ऑफ प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल, इनको प्रेसिडेंट पुलिस मेडल भी दिया गया है। शी बिकेम फर्स्ट वुमेन सुपरिटेंडेंट ऑफ केरला पुलिस इन 1991, और सबसे पहली महिला जिन्हें सुपरिटेंडेंट ऑफ केरला पुलिस भी इन्हीं को मिला है। श्रीलेखा रेड्डी हैज़ बीन पोस्टेड एज द रोड सेफ्टी कमिश्नर, रोड सेफ्टी कमिश्नर भी जो पद है इन्हें मिला गया। सो एज सच ये चीज़ें तो एक बार ग्लांस दे दीजिए, एज सच इम्पोर्टेंट नहीं है। ये इम्पोर्टेंट ज़रूर है कि केरला की फर्स्ट वुमेन डीजीपी कौन है, डेट इज़ आर श्रीलेखा। अच्छा मेरे को, अच्छा वो क्वेश्चन नेक्स्ट करंट इवेंट में पूछ लूँगा मैं। चलते हैं नेक्स्ट करंट इवेंट के ऊपर। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स इज बीइंग ऑब्जर्व ऑन 29th मई एवरी ईयर। हर साल की 29 मई की तारीख को इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग डे मनाया जाता है, और किस लिए मनाया जाता है देखते हैं। द डे इज सेलिब्रेटेड टू पे होमेज फॉर द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पीस कीपर्स पर्सनल ऑफ द वर्ल्ड हु हैव लॉस्ट देयर लाइफ वाइल रेंडरिंग पीस कीपिंग सर्विसेज। जो भी पर्सनल है, जो भी कमांडर्स है, सोल्जर्स है, जिस किसी भी एरिया के अंदर पीस कीपिंग सर्विसेज दे रहे हैं और उस दौरान शहीद हो जाते हैं, सो इस दिन के उपलक्ष्य में अपन मनाते हैं यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग डे। एंड द थीम ऑफ दिस डे इज वुमेन इन पीस कीपिंग अ की टू पीस। बहुत इंपॉर्टेंट है, डे तो इम्पोर्टेंट रखना ही रखना है, कौन सी डे को मनाया जाता है, और थीम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सो इसकी थीम है वुमेन इन पीस कीपिंग अ की टू पीस। और अगर इंडिया की बात करें, इंडिया इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट मिलिट्री ट्रूप पीस कीपिंग कॉन्ट्रीब्यूटर। आपको पता है कि हमारा जो साउथ सूडान में मिशन है वो भी इंडिया को ही दिया गया है। सो इंडिया इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट मिलिट्री ट्रूप पीस कीपिंग कॉन्ट्रीब्यूटर। पीस कीपिंग कॉन्ट्रीब्यूटर में इंडिया का फोर्थ नंबर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर हैज़ लॉन्च्ड ट्विटर हैंडल डेट इज एट द रेट लेबर डी जी फॉर लेबर ब्यूरो टू प्रोवाइड लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स फॉर लेबर वेलफेयर हु इज़ द करंट मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर है जिन्होंने अभी ट्विटर पे एक अकाउंट बनाया जिसका नाम है लेबर डी जी। इस अकाउंट के तहत मतलब जो भी गतिविधि है माइग्रेंट्स की उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होगी, उनके सेफ्टी मेजर्स के लिए, उनके जो एम्प्लॉयमेंट के लिए, उनका खाना पीना, शेल्टर, ये सब की क्वेरी आप इस ट्विटर अकाउंट में डाल सकते हैं। क्लियर है? और हमारे लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर का नाम क्या है, वो है संतोष कुमार गंगवार। सो संतोष कुमार गंगवार इज आर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर। जो भी लेबर की जो भी तकलीफ होती है उन सबको एड्रेस करने के लिए ट्विटर अकाउंट बनाया गया है ताकि उनका वेलफेयर हो सके। अगर कोई पर्टिकुलर लेबर या माइग्रेंट फंसा हुआ है तो कोई भी, जैसे आप और मैं इंडिविजुअली, इस अकाउंट पे उनकी जो दुविधा है उनको एड्रेस कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट करंट इवेंट पे।
नेक्स्ट वी हैव हु हैज़ बीन न्यूली अपॉइंटेड एज द CMD ऑफ ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? ये है SN राजेश्वरी। इन मैम का नाम है SN राजेश्वरी। इनके बारे में पढ़ लेते हैं। SN राजेश्वरी हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द CMD ऑफ OIC बाय बैंक्स बोर्ड ब्यूरो। सो आपकी जो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज होती है ना, उनके बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो डिसाइड करता है कौन चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर होता है। जैसे अपन के बैंक्स के अंदर कौन डिसाइड करता है, जैसे सेंट्रलाइज बैंक्स होते हैं, उनका कौन चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर होगा वो कौन डिसाइड करता है, इसका आंसर आप हमें कॉमेंट सेक्शन में दीजिए। कॉमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए कि जो बैंक्स के जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है कौन सी बॉडी गवर्न करती है। और ये भी आशा करता हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा। सो शी विल बी रिप्लेसिंग AV गिरिजा कुमार, इनको रिप्लेस करेंगे ये। एंड शी इज करंटली सर्विंग एज द जनरल मैनेजर ऑफ द पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री, दैट इज NIA न्यू इंडिया एश्योरेंस के ये जनरल मैनेजर भी है। और अगर OIC के हेडक्वार्टर्स की बात करूँ तो इसका हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली। आपको मुझे OIC की टैगलाइन भी बतानी है कि OIC की टैगलाइन क्या है। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, दैट इज CIPET हैज बीन रीनेम्ड एज सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। आपको बस इतना ध्यान रखना है, जो पहले सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी थी, अब उसको क्या कर दिया है, पेट्रोकेमिकल्स में चेंज कर दिया गया। और CIPET का जो हेड ऑफिस है वो चेन्नई में। क्लियर है स्टूडेंट्स? एक बार नज़र डाल दीजिए इस करंट इवेंट के ऊपर। ऐसे इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन छोड़ना कुछ भी नहीं है। ये हर बार की तरह मेरा एक सबसे पहला प्रायर मोटो ये रहता है कि कुछ भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए, छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन भी आपको पता होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बार आप मतलब आँखों के सामने आ जाती है चीज़, या देख भी लेते हैं, सुन भी लेते हैं, तो यह याद रह जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेस्टर्न नेवल कमांड ऑफ विच स्टेट हैज़ डेवलप्ड UV सैनिटाइजेशन बे टू रिज्यूम द वर्क आफ्टर लॉकडाउन। कौन सी वेस्टर्न नेवल कमांड है उस स्टेट की जिसने डेवलप किया अभी हाल ही में UV सैनिटाइजेशन बे। इसका मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर स्टेशन बना रखा है जो कुछ भी हमारे इक्विपमेंट्स है, टूल्स है, कंटेनमेंट्स है, उनको UV सैनिटाइज किया जाएगा, ताकि जो भी जो अगर इसके अंदर जो भी कोरोना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो वो मर जाए। अगर थोड़ा सा और पढ़ लेते इसके बारे में, द यूवी बे विल बी यूज फॉर डी कंटेमिनेशन ऑफ टूल्स, क्लोथ्स एंड अदर आइटम्स टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के स्प्रेड को रोकने के लिए ये एक रीजन बनाया गया है, ताकि आपके सारे के सारे टूल्स, क्लोथ्स या इक्विपमेंट्स है इसमें सैनिटाइज हो सके। और इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है मुंबई। सो मुंबई इज दी करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट करंट इवेंट के ऊपर। नेक्स्ट वी हैव यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर डेट इज निर्मला सीतारमन चेयर्ड 22nd मीटिंग ऑफ द FSDC। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FSDC? सो निर्मला सीतारमन ने 22nd मीटिंग अटेंड की है FSDC की, तो आपको FSDC का फुल फॉर्म बताना है, वो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। FSDC का फुल फॉर्म है, आइए थोड़ा पढ़ लेते हैं। द मीटिंग फोकसेस ऑन करंट ग्लोबल डोमेस्टिक मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कैपिटल फ्लोस एक्सेट्रा। आपको पता है कि पेंडेमिक हालत के अंदर सब कुछ क्या फाइनेंशियली जो फ्लो है वो रुके हुआ पड़ा है। सो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाने के लिए जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है हमारे, जैसे गवर्निंग बॉडी है RBI है, स्केड्यूल बैंक्स है, इनको अच्छे फ्लो में लेके जाया जा सके, और एक कैपिटल फ्लो हो, तो इन सबको अच्छे से स्मूथली गवर्न करने के लिए ये मीटिंग रखी गई थी। इट ऑल्सो रिव्यूड वेरियस मेजर्स बीइंग टेकन बाय गवर्नमेंट एंड RBI ड्यूरिंग द COVID-19 पेंडेमिक। और अगर FSDC के हेड की बात करें तो फाइनेंस मिनिस्टर ही इनके हेड है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल के हेड भी निर्मला सीतारमन है, जो कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है। अच्छा, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बता सकते हो?
इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी आप इनके लैंग्वेज से ही बता सकते हो, ये साउथ इंडियन है एंड इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है कर्नाटका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वी हैव FM निर्मला सीतारमन लॉन्च द फैसिलिटी फॉर इंस्टेंट अलॉटमेंट ऑफ ई पेन ऑन रियल टाइम बेसिस। दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल फॉर दोज हु पजेसेस अ वैलिड आधार नंबर विद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। इट विल इशू इलेक्ट्रॉनिक पेपरलेस पेन फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसा कि आपको पता है कि अभी हाल ही में इस पेंडेमिक में जो पेन नहीं बना पाए, अब उनको अगर अपना जो GST बिल या जो ये कुछ भी जो पेमेंट्स है फिलिंग है ये करनी पड़ती है, तो इनके कारण अभी उनके पास इस करंट सिचुएशन में पैन कार्ड अवेलेबल है नहीं। तो ये डिसीजन लिया गया है निर्मला सीतारमन ने कि जो भी कैंडिडेट्स है अगर उन्हें ई पैन इस रियल टाइम बेसिस पे अवेलेबल कराया जाए तो इस ट्रबल से भी छुटकारा पा सकते हैं। और इस फैसिलिटी के लिए आपको करना कुछ नहीं, आपके पास एक वैलिड आधार नंबर होना चाहिए और उसके अंदर जो आपके जो मोबाइल नंबर है जो आप यूज़ करो रजिस्टर्ड होने चाहिए। बिल्कुल ही पेपरलेस मूवमेंट है और फ्री ऑफ कॉस्ट है ये पैन। क्लियर है? पैन जैसे सबको पता है आपको इसका फुल फॉर्म परमानेंट अकाउंट नंबर। सो ये सब जो मुश्किल है, जो आपकी जो फीलिंग्स है, जो आपके GST बिलिंग्स है, ये जो नहीं भर पा रहे हैं, जिनका जो पैन कार्ड नहीं बने हुआ है, तो इस ट्रबल को रिड्यूस करने के लिए ये फैसिलिटी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा MP एंड फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस हु पास्ड अवे रिसेंटली, जो राज्यसभा MP भी है और मिनिस्टर ऑफ स्टेट रह चुके हैं फॉर्मर, 83 साल के थे, जो रिसेंटली अभी उनकी डेथ हो गई है, इनका नाम है, क्या नाम है इनका, इनका नाम है वीरेंद्र कुमार। और अगर बात करें ये लोकतांत्रिक जनता दल पार्टी से बिलोंग करते थे, इनके लीडर भी थे एंड MD ऑफ मातृभूमि ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस। ही वॉज ऑनर्ड विद साहित्य अकेडमी एंड केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड। सो साहित्य अकेडमी और केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड भी दिया गया है इनको। अच्छा, लोकतांत्रिक जनता दल किसकी पार्टी है? लोकतांत्रिक जनता दल किसकी पार्टी है, कॉमेंट सेक्शन में बताइए। जाने माने पॉलिटिकल शख्सियत है, सो इसका आंसर कॉमेंट सेक्शन में बताइए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वी हैव ADB डेट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइंस हाउ मच अमाउंट ऑफ लोन फॉर रोड कंस्ट्रक्शन इन महाराष्ट्र। सो ADB ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कितना अमाउंट ऑफ लोन दिया है ताकि रोड कंस्ट्रक्शन हो सके महाराष्ट्र में? इसका आंसर है $177। आइए देखते हैं इसके बारे में। ADB एंड GOI हैज साइंड ए $177 मिलियन लोन टू अपग्रेड 450 किलोमीटर ऑफ स्टेट हाईवेज एंड मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स इन महाराष्ट्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ये जो काम चलेगा हमारा रोड्स और हाईवे का, सो ये कितने किलोमीटर रोड पे ये काम होगा, तो इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं। सो 450 किलोमीटर स्टेट हाईवेज एंड मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स आपके कंस्ट्रक्ट होगी इस लोन की मदद से। द प्रोजेक्ट विल इन्हेंस कनेक्टिविटी ऑफ रूरल एरियाज विद अर्बन सेंटर्स एंड नेशनल हाईवेज इन द स्टेट, इनेबलिंग रूरल कम्युनिटीज टू एक्सेस मार्केट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड सर्विसेज। भाई जब जब कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है, जब जब आपकी नई फैक्ट्रीज लगी है, इंडस्ट्रीज लगी है, तो हमारी जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती है, डेवलप होती है, प्रोड्यूस होती है। सो इस लोन में भी यही होगा हमारे। और अगर ADB के हेडक्वार्टर्स की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर्स है मनीला फिलीपींस के अंदर। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलते हैं नेक्स्ट करंट इवेंट पे। नेक्स्ट वी हैव विच कंट्री फास्ट बॉलर शेहान मधुशंकर सस्पेंडेड आफ्टर ही वॉज अरेस्टेड फॉर पोजेसिंग हीरोइन। सो कौन सी कंट्री का फास्ट बॉलर है शेहान मधुशंकर, जिन्हें हाल ही में अभी सस्पेंड किया गया है? आपको मुझे ये बताना है कि कितने टाइम के लिए सस्पेंड किया गया है। मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये श्रीलंका से बिलोंग करते हैं, क्योंकि इनके पास कुछ अमाउंट ऑफ हीरोइन था, इस वजह से इनको क्या कर दिया, एबडक्ट कर दिया गया है स्पोर्ट्स से, क्रिकेट स्पोर्ट्स से। सो आपको मुझे बताना है कि कितने टाइम के लिए। ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप, मैं हमेशा मैं क्वेश्चन इसलिए देता हूँ क्योंकि आप कुछ चीज़ें सर्च करोगे तो कुछ आपको गेन ही मिलेगा, कुछ दो बातें, दो नई करंट न्यूज़ आप और अच्छे से पढ़ पाओगे और कुछ ज़्यादा ज्ञान ही मिलेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
आईओसी अपॉइंट्स होम एज ओलंपिक चैनल कमीशन मेंबर। सो इंडियन ओलंपिक कमेटी ने हाल ही में किसे ओलंपिक चैनल कमीशन मेंबर बनाया? सो इसका आंसर है नरेंद्र बत्रा। ये बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है स्पोर्ट्स की। आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी है। नरेंद्र बत्रा हैज बीन अपॉइंटेड एज मेंबर ऑफ ओलंपिक चैनल कमीशन बाय इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। सॉरी इंडियन नहीं, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, सो सॉरी। ही हैड अर्लियर सर्वड एज द प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया। ये पहले हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और एशियन हॉकी फेडरेशन के भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं। और अगर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात करें, इसका हेडक्वार्टर्स है लुसाने स्विट्जरलैंड और प्रेसिडेंट है थॉमस बैश। क्लियर है, हेडक्वार्टर्स है आईओसी का लुसाने स्विट्जरलैंड और प्रेसिडेंट है थॉमस बैश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट वी हैव एनुअल लिस्टिंग फी रिड्यूस बाय हाउ मच परसेंट फॉर स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस इन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। जो लिस्टिंग फी होती है स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की, वो कितने परसेंटेज कम हो गई है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सो 25% इसे कम कर दिया गया है क्योंकि पेंडेमिक को देखते हुए सब हर कहीं आपको पता है फाइनेंशियल क्रंच है। सो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को ये फ़ायदा मिलेगा कि लिस्टिंग फीस क्या उन्हें कम देनी पड़ेगी। क्लियर है। और जो भी कंपनीज ने, जैसे अगर ये रूल या ये जो इनका जो ऑर्डर है, इससे पहले अगर कंपनी लिस्ट हो गई है तो इनको वापस रिबेटमेंट मिलेगा, रिफंड मिलेगा और 25% पे सेटल्ड की जाएगी। जो भी अगर इससे पहले अगर हायर परसेंटेज देने पड़ रहे थे लिस्टिंग के लिए, तो अब उन्हें 25% ही देना पड़ेगा। जो भी जो डिफरेंस होगा उन्हें वापस रिफंड मिल जाएगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दोनों ने रिफंड देने का वादा किया। चलते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की तरफ, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। हेडक्वार्टर्स याद रखना बहुत ज़रूरी है, मुंबई महाराष्ट्र। NSA और BSA दोनों का हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में। और अगर MD और CEO की बात करूँ तो BSE के MD और CEO है आशीष कुमार चौहान, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। BSE के MD और CEO है आशीष कुमार चौहान और NSE के MD और CEO है विक्रम लिम्बे। विक्रम लिम्बे हमारे MD और CEO है NSE के। क्लियर है स्टूडेंट्स। चलते हैं नेक्स्ट करंट इवेंट पे। नेक्स्ट भी है इंडियन इकोनॉमी टू कॉन्ट्रैक्ट बाय हाउ मच परसेंट इन फाइनेंशियल ईयर 2021 बाय फिच, GEO एंड क्राइसिल। फिच और क्राइसिल आपको पता ही है कि जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, फिच अमेरिका की कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, और क्राइसिल अपनी इंडिया की है। सो इन दोनों के मुताबिक इंडियन इकोनॉमी कितने परसेंट गिरावट आ जाएगी फाइनेंशियल ईयर 2021 तक। सो 5% पर इंडियन इकोनॉमी आ जाएगी, 5% हमारी इंडियन इकोनॉमी रहेगी 2021 तक, फिच और क्राइसिल ने दोनों ने बता रखा। क्लियर है। और GEO हमारे पास ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक। और अगर फिच की बात करें, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क USA और प्रेसिडेंट है हमारे इयान लिनेल। और क्राइसिल की बात करें, हेडक्वार्टर्स मुंबई है और MD और CEO है हमारे आशु सुयश हमारे MD और CEO है। आपको ये याद रखना है कि फिच और क्रिसल ने दोनों ने इंडियन इकोनॉमी 5% बताई है फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए। क्लियर है स्टूडेंट्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन्फोसिस लिमिटेड हैज एंटर्ड इनटू द पार्टनरशिप विद एवालो, अ स्विस कंपनी दैट डेवलप्स एंड प्रोवाइड सॉफ्टवेयर फॉर कोर बैंकिंग टू ऑफर एंड टू एंड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस अक्रॉस द वर्ल्ड टू इट्स क्लाइंट। भाई इन्फोसिस ने एवालो के साथ पार्टनरशिप की है। एवालो एक स्विस कंपनी है जो कि बैंकिंग रिलेटेड सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराती है, प्रोडक्ट्स सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। जो भी बैंकिंग है, कॉरपोरेट ऑफिस में जो भी जो ट्रांजैक्शन रिलेटेड आपकी जो प्रॉब्लम्स है उनके सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराती है, और इनके जो क्लाइंट्स है वो थ्रू आउट द वर्ल्ड है। सो इन्फोसिस ने किसके साथ पार्टनरशिप की है? एवालो, जो कि क्या है, एक स्विस कंपनी।
और अगर इन्फोसिस की बात करें, इसका हेडक्वार्टर्स वी ऑल नो बेंगलोर कर्नाटका, एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड एमडी डेट इज सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है हमारे सलील पारेख। सलील पारेख एमडी और सीईओ है इन्फोसिस के। क्लियर है स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वी हैव डैश हु इज द सीओओ डेट इज चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ कैप जर्मनी बिकम्स द न्यू सीईओ एंड एमडी ऑफ विप्रो। जो कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे कैप जर्मनी के, अब वो सीईओ और एमडी है विप्रो के, तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है थियरी डेलापोर्टे। थियरी डेलापोर्टे विल बी न्यू सीईओ एंड एमडी ऑफ विप्रो। और अगर विप्रो की बात करें, चेयरमैन आपको सबको पता है निषाद प्रेम जी, फाउंडर चेयरमैन अजीम एच प्रेम जी इनके फादर है, एंड हेडक्वार्टर्स इज बेंगलुरु कर्नाटका, और इस्टेब्लिश कब हुई थी? 1945। क्लियर है स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट करंट इवेंट पे। नेक्स्ट वी हैव संदीप मुकुंद प्रधान गेट्स 2 ईयर एक्सटेंशन एज डायरेक्टर जनरल ऑफ SAI। SAI हमारे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो नए डायरेक्टर जनरल है, मतलब पहले भी यही थे, अब इनको 2 साल का एक्सटेंशन मिल गया है। सो डायरेक्टर जनरल 2 साल के लिए एक्सटेंड कौन हो गए हैं? संदीप मुकुंद प्रधान। सो अब भी ये डायरेक्टर जनरल है और इनका जो टाइम पीरियड है वो 2 साल और बढ़ा दिया गया है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। चलते हैं नेक्स्ट करंट इवेंट पर। नेक्स्ट वी हैव नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया डेट इज NPCI has launched an artificial intelligence based chatbot to create awareness around its products like FASTag, Rupay, Unified Payment Interface, Aadhaar Enabled Payment System that is AEPS on a real-time basis and to improve digital financial inclusion in India. What is the name of this chatbot? अगर थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगा क्वेश्चन को तो और ज़्यादा समझ में आएगा। NPCI ने एक आर्टिफिशियल चैटबॉट लॉन्च किया है जो कि आपके जो फास्टैग कस्टमर्स और क्लाइंट्स है, जो फास्टैग पेमेंट्स कर रहे हैं, जो रुपए कार्ड यूज़ कर रहे हैं, जो आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, सो इनका जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है वो स्मूथली रन हो सके और इनमें जो भी क्वेरी है उनको रिजॉल्व कर सके। और डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब हम डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया का मतलब ये है कि हम जो भारत के अंदर जो डिजिटल सॉफ्टवेयर को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं, जो भी आपके जो पेमेंट्स रहती है फास्टैग के थ्रू पेमेंट है, आपके जो इलेक्ट्रॉनिक बिल्स है, आपके जो वाटर बिल्स है, ये सब जो आपके जो पेमेंट मेथड्स है ये डिजिटली गवर्न हो जाए, इस वजह से अपन ने ये डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया लॉन्च किया है ताकि सब कुछ डिजिटली रन हो। और इस चैटबोर्ड का नाम है PAI डेट इज़ पाए। क्लियर है। और अगर बात करें तो NPCI का रजिस्टर्ड ऑफिस है मुंबई महाराष्ट्र, और MD एंड CEO ऑफ NPCI बहुत इम्पोर्टेंट है। कौन है? दिलीप एस बे। क्लियर है स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट करंट इवेंट पे। नेक्स्ट भी है छत्तीसगढ़ फर्स्ट CM हु पास्ड अवे रिसेंटली। छत्तीसगढ़ के सबसे पहले CM जिनका हाल ही में निधन हुआ है, इनका नाम है अजीत प्रमोद कुमार जोगी। इनका नाम है अजीत प्रमोद कुमार जोगी। और अगर छत्तीसगढ़ की बात करें, कैपिटल रायपुर है, गवर्नर है अनुसुईया यूके, और चीफ मिनिस्टर है भूपेश बघेल। क्लियर है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास इंटरनेशनल डे ऑफ UN पीस कीपर्स 2020। व्हाट इज द थीम ऑफ दिस डे? ये मैंने आपको करा रखा है इंटरनेशनल डे ऑफ UN पीस कीपिंग जो कि 29 मई को सेलिब्रेट किया जाता है, तो इस डे की थीम है हमारे पास वुमेन इन पीस कीपिंग अ की टू पीस। और अगर UN की बात करें, सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटरेस जो कि पुर्तगाल से, और हेडक्वार्टर्स है न्यूयॉर्क यूनाइटेड नेशंस का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वी है वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे डेट इज 2020 इज सेलिब्रेटेड ऑन 28th मई ऑफ एवरी ईयर। What is the theme of this day? ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 28th मई को। और इस डे की जो थीम है वो है पीरियड्स इन पेंडेमिक इट इज़ टाइम टू टेक एक्शन। सो थीम है हमारे पास पीरियड्स इन पेंडेमिक इट इज़ टाइम टू टेक एक्शन।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वी हैव चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट लॉन्चेस रोजगार सेतु योजना फॉर स्किल्ड वर्कर्स। सो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। और अभी हालांकि के अंदर ये सारे स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिस जिस स्टेट के अंदर जो माइग्रेंट वर्कर्स अपने घर आ रहे हैं उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना, उनको फूड प्रोवाइड कराना, क्योंकि आपको पता है कि ऐसे कई फैमिलीज़ होती है जिनका जो अर्निंग सोर्स होता है वो माइग्रेंट लेबरर्स ही होते हैं और वो अपना पैसा एक स्टेट से दूसरे स्टेट पहुँचाते हैं, मतलब हाईली उन पर डिपेंड रहते हैं। तो अब आप देख लीजिए, अगर वो काम नहीं कर रहे हैं, वो एम्प्लॉयड नहीं है, तो घर में खाना भी नहीं होगा, राशन भी नहीं होगा। तो ये सारी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, जो भी माइग्रेंट्स अपने घर पहुँचे उनको अप्रोप्रिएट एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, उनका जो वेज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इस पेंडेमिक के अंदर जो वेज मिल रहा था वो इतना कम मिले कि वो सर्वाइव ही नहीं कर पाए। खाने का ध्यान, खाने पानी का ध्यान, शेल्टर का ध्यान, तो ये सब चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है और स्टेट वाइज डिपेंड करती है। क्लियर है? तो हर एक स्टेट को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभानी चाहिए। और अगर रोजगार सेतु योजना की बात करें, टू सपोर्ट एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द माइग्रेंट वर्कर्स हु रिटर्न टू द स्टेट इन COVID-19 सिचुएशन एंड टू मीट द वर्कर्स रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज। जो भी वहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल किया जाए। और अगर मध्य प्रदेश की बात करें, गवर्नर है हमारे लालजी टंडन एंड CM इज शिवराज सिंह चौहान, और इनको हम प्यार से आपको पता है क्या बुलाते हैं, मामा भी बुलाते हैं, मध्य प्रदेश में इनको मामा बुलाते हैं। एंड द कैपिटल इज भोपाल मध्य प्रदेश की। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वी हैव उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर डेट इज त्रिवेंद्र सिंह रावत लॉन्च द स्कीम नेम्ड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना टू रिटेन द माइग्रेंट्स हु हैव रिटर्न टू द स्टेट ड्यूरिंग द लॉकडाउन। द स्कीम एम्स एट प्रोवाइडिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू यूथ एंड अ बूस्ट टू रिजर्व रिवर्स माइग्रेशन स्पेसिफिकली एंटरप्रेन्योर्स रिटर्निंग टू उत्तराखंड टू एनकरेज स्किल्ड एंड अनस्किल्ड आर्टिसंस हैंडीक्राफ्ट्स एंड अनएम्प्लॉयड यूथ टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। इनका कहने का मतलब आपको समझ में आया कि मतलब जो माइग्रेंट्स अब उत्तराखंड में आ चुके हैं अब उनको वहाँ पर ही रिटेन किया जाए, मतलब अपने खुद के स्टेट के अंदर अब रोजगार पैदा किया जा सके ताकि उनको दूसरे स्टेट में जाना नहीं पड़े। क्योंकि यार अगर कोई माइग्रेंट एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा है तो उसकी प्रॉब्लम यही है कि उस स्टेट में रिसोर्सेज नहीं है, उस स्टेट में इंडस्ट्रीज नहीं है, वो हाईली डेवलप नहीं है, इसलिए उसे दूसरी जगह जाना पड़ रहा है। सो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है उत्तराखंड CM से कि वो रिटेन करना चाहता है रिवर्स माइग्रेशन, मतलब ऐसा अब ऐसा नहीं हो कि जो माइग्रेंट अपने घर आए अब उनको काम के लिए बाहर जाना पड़े, और जो यूथ है उनको जॉब्स प्रोवाइड करने के लिए भी इन्होंने जो ये बताया है। सो आई होप सब कुछ अच्छे से गवर्न हो जाए। और अगर उत्तराखंड की बात करें, कैपिटल है देहरादून। इनके अंदर भी दो केस होता है, जैसा कि आपको पता है कि हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर रहता है, यूनियन टेरिटरी के अंदर रहता है। हमारे जो विंटर कैपिटल है, सर्दियों में देहरादून रहती है और गर्मियों में क्या रहती है, गैरसेन रहती है। और गवर्नर है हमारे बेबी रानी मौर्य। क्लियर स्टूडेंट्स? आज का ये लास्ट करंट इवेंट है, आइए पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट डेवलप्स हाउ मच लॉन्ग किलोमीटर रोड्स एज हर्बल रोड्स। ये बहुत ही अच्छी और इनोवेटिव स्कीम है। इसका आंसर है 800 किलोमीटर। क्या होगा इस स्कीम के अंदर वो मैं बताता हूँ। जो भी आपके जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं या जो भी उपयोगी औषधि वाले प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, वो पूरी 800 किलोमीटर वाली जो लेन है उनके लेफ्ट और राइट हैंड साइड में उगाए जाएंगे। सो एक अच्छा इनोवेटिव मेथड है बायोडाइवर्सिटी को कंटेन करने के लिए। सो इट्स अ गुड स्टेप बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। आगे पढ़ते हैं। द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश एंड PWD मिनिस्टर ऑफ स्टेट डेट इज केशव प्रसाद मौर्य अनाउंस द डेवलपमेंट ऑफ 800 किलोमीटर हर्बल रोड्स अलॉन्ग द स्टेट एंड नेशनल हाईवे थ्रू द स्टेट। और अगर PWD मिनिस्टर की बात करें, केशव प्रसाद मौर्य है, और हमारे PWD स्टेट मिनिस्टर है भूपेंद्र सिंह चौधरी। ये सच इम्पोर्टेंट नहीं है, हाँ बस थोड़ा सा ग्लांस होना चाहिए कि PWD मिनिस्टर ऑफ स्टेट है हमारे केशव प्रसाद मौर्य। डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर डिप्यूटी CM भी यही है। आगे चलते हैं। ये लास्ट करंट इवेंट था। सो आई होप आपको समझ में आया होगा जो करंट इवेंट्स मैंने आपसे डिस्कस किए होंगे। मैंने एडिशनल हर करंट इवेंट के
एडिशनल नॉलेज भी देता हूँ, एडिशनल जो चीज़ें वो भी बताता हूँ, ताकि आपको स्टैटिक जीके तैयार करने में हेल्प मिल जाए। क्योंकि तो आपकी स्टैटिक इस तरीके से ही तैयार होती है, जो कुछ भी स्टेट पूछे उसका स्टेट का सीएम याद कर लो, गवर्नर याद कर लो। क्लियर स्टूडेंट्स? सो आज हमने कौन से करंट इवेंट डिस्कस किए हैं, 29th एंड 30th के, और सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन सो यू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स फ्रॉम जीके रिव्यू चैनल। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ नाइस डे। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।